गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को वॉइस सैंपल के लिए एसआईटी ने बुलाया था और डॉक्टर पुनीत गुप्ता एसआईटी के दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुनीत गुप्ता के वकील दिवाकर सिन्हा का कहना था कि हाईकोर्ट में एसआईटी गठन के खिलाफ ही उनके द्वारा याचिका लगाई गई है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बता दें कि इस मामले में पुनीत गुप्ता से लेकर मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व विधायक अमित जोगी ने भी वॉइस सैंपल नहीं दिया। केस पेंडिंग है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आप भी क्षमा करता हूँ। वॉइस सैंपल है कि नहीं, ये बता दें। कोर्ट में केस पेंडिंग है, मैं इस बारे में कुछ आपको है। एसआईटी का जो बनाया गया है उसको चैलेंज हमने किया, तो जब एसआईटी को ही चैलेंज किया तो वॉइस सैंपल देने का सवाल ही नहीं था। हमने वो एप्लीकेशन दिया, बस आरिफ नहीं हुआ। पुनीत गुप्ता जी को आज वॉइस सैंपल देने के लिए एसआईटी में बुलाया गया था, उन्होंने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। अब न्यायालय के माध्यम से उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। कोर्ट ने चैलेंज किया है कि एसआईटी गठन गलत है। कोर्ट ने कहीं पर भी एसआईटी को विवेचना करने से मना नहीं किया है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने अभी वॉइस सैंपल अपना नहीं दिया है, कोर्ट में आवेदन लगाकर कोर्ट के माध्यम से उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। भूपेश सर।